कंसंट्रेट ऑन क्वेश्चन नंबर 60। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए आप लोग। एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है ऊपर से, ओके, वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को और फिर ऊपर जाएगा, ओके। तो नेगलेक्ट करना है हम लोग को हवा, मतलब एयर रेजिस्टेंस और उसका वेलोसिटी और हाइट के बीच में किस टाइप का ग्राफ बनेगा ये बताना, ओके। तो आई थिंक ये सबको पता होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है मोशन का, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ओके। ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, कर्व, ओके। तो जब ग्राफ कर्व रहेगा तो स्ट्रेट ग्राफ तो ऐसे ही कैंसिल, सो ऑप्शन सी गया ना। अब बचा ए बी डी, इसमें डायरेक्शन तो वेलोसिटी का चेंज होगा, ऊपर से अगर नीचे आते समय को नेगेटिव लेंगे हम लोग, ओके, तो ऊपर जाने को पॉजिटिव, मतलब जब बॉल स्ट्राइक करेगा नीचे उस समय नेगेटिव वेलोसिटी और स्ट्राइक करके जब ऊपर की ओर जा रहा होगा तो पॉजिटिव वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो दो ग्राफ इस तरह गया, क्यों, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। अब आते हैं हम इस पे, श्योर यही आंसर है, नो डाउट, क्योंकि तीन ऑप्शन कट गया। तो हो क्या रहा है, शुरुआत में जब वेलोसिटी नीचे की ओर बॉल गिर रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है इसीलिए यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा है नेगेटिव में, क्योंकि नीचे आते समय वेलोसिटी ज़्यादा था, लेकिन जब स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड को और फिर से रिबाउंड होगा तो कुछ वेलोसिटी तो लूज करेगा, इसीलिए अब पॉजिटिव में वेलोसिटी, मतलब जब ऊपर बॉल जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा, ओके। तो क्लियर हुआ, थैंक्स।